दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मिथुन सरानी और आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DL के बारे में, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, जो कि बहुत अभी तकलीफ हो रही है, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। देखिए अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, जो हम बाइक कार कुछ भी लेकर के रोड पर निकलते हैं तो हमें पूछा जाता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, तो ये पूछा जाता है। और हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के कारण हमको फाइन काट देते हैं, चालान काट देते हैं। तो दोस्तों अभी एक जो प्रॉब्लम है ड्राइविंग लाइसेंस बहुत से लोगों के पास नहीं होता, क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी जो एक नियम बनाए हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो कि आपको 10वीं क्लास तक होना ज़रूरी है। तो देखिए बहुत सी लोग ऐसे लोग हैं कि जिनको पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, एक क्लास तक भी वो लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, एक दो क्लास तक भी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो वो लोग कहाँ से वो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर के मेरे को बहुत ठीक नहीं लगा। तो दोस्तों देखिए ऐसा है कि कोई भी अगर गाड़ी खरीद लेते हैं, अपने खुद की गाड़ी खरीद लेते हैं और चलाते हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है कि गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, क्योंकि वो खुद चला रहे हैं, गाड़ी का ओनर है। और वो ओनर अगर होते हैं तो गाड़ी तो 100% वो लोग चलाएंगे ही ना। तो अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में लोग कहते हैं कि बिना लाइसेंस का आप नहीं चला सकते, ठीक है, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या कर रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग अगर देखते हैं कि किसी के पास भी अगर लाइसेंस ना होने के कारण जो चलान काटते हैं, उनका किसी ना किसी वजह से एक तो सर्टिफिकेट नहीं हुआ होगा या कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो देखिए हमारे कहने का मतलब यही है कि जो हम लाइसेंस अप्लाई करते हैं, सर्टिफिकेट दे करके करते हैं, तो उसको चेंज करके बस किसी और चीज़ को लेकर के, आधार कार्ड, राशन कार्ड, कुछ भी चीज़ लेकर के वो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए हमें मांगेंगे तो ठीक रहेगा। मेरे कहने का मतलब यही था, क्योंकि बहुत लोग पढ़ाई नहीं किए हैं और वो पढ़ाई ना होने के कारण वो लोग अभी मुसीबत में फंस रहे हैं। तो दोस्तों ये बात आपको कैसे लगे मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर अपने बारे में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नेक्स्ट और वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसी तरह की टॉपिक लेकर के आएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।